रामनगरी अयोध्या में 14 जनवरी 2014 से ही पीएम मोदी के लिए महायज्ञ शुरू है। जी हां, अयोध्या में 2014 में पीएम मोदी के स्वास्थ्य और खुशी के लिए एक यज्ञ शुरू किया गया। ये यज्ञ जब साल 2019 में खत्म हुआ तो साल 2019 में फिर से 5 साल का महानुष्ठान शुरू किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो बगलामुखी देवी की विशेष पूजा करते हैं, जो यात्रा के खत्म होने पर ही की जाती है। ये पूजा यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। पीएम मोदी के इस भव्य समारोह के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 में चैत्र नवरात्रि का आशीर्वाद मिला। सीएम योगी के लिए शुरू हुआ यज्ञ साल 2025 में समाप्त होगा। महानुष्ठान चल रहा है। महानुष्ठान के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए जाए, बैनर लगाए जाए। तपस्या के लिए एकांत होता है, एकांतवास में यह साधना चल रही। आज तक न तो योगी जी से मिला और न मोदी जी को कोई पत्र लिखा कि हमें मिलने का समय चाहिए। हमारा जो कर्म है, जो दैवीय प्रेरणा अंतःकरण में उत्पन्न हो रही है, उस अनुरूप हमारा अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। प्रातःकाल प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन को लेकर के महामृत्युंजय की यज्ञ होती और सायंकाल की बेला में तीनों लोगों को क्षण मात्र में स्तंभन करने वाली महाशक्ति भगवती पीताम्बरा के अमोघ बगला ब्रह्मास्त्र महामंत्र की आहुति का कर्म निरंतर संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के नव निर्माण की जो पटकथा रची जा रही है वह निर्विघ्न संपन्न हो, और भगवती की कृपा ही है कि आज उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में जो दृश्य भारत की पृष्ठभूमि राजनीति में दिखाई पड़ रहा है वह भी अपने विनाश की पटकथा लिख रहा है। चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो या अभी एक नाम दिया गया है इंडिया कुछ दलों के द्वारा, वो लोग इसमें नाम दे रहे हैं जो देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत पर छूटे हुए हैं। बलात्कार का आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, कई अदालतों में घूम घूम के माफी मांग चुके हैं। ऐसे लोग अपने आप को इंडिया बता करके जनमानस को भ्रमित करना चाहते हैं। हमें इससे सजग रहने की जरूरत है। ये देश का पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें देश ही नहीं दुनिया के 3 दर्जन से अधिक देश भारत की उन्नति को बाधित करना चाहते हैं। वे सफल नहीं होंगे। क्यों? कि पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म नगरी अयोध्या में एक वृहद अनुष्ठान बिना किसी स्वार्थ के रामादल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीते 8 वर्षों से राम जन्मभूमि के मुख्य गर्भगृह स्थल पर जो धर्म ध्वजा लहराई जा रही है वो भी प्रधानमंत्री जी के निमित्त ही है। हमारा रामादल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी 1100 दिवसीय विशेष अनुष्ठान संचालित कर रहा है, जिसकी पूर्णाहुति नवरात्रि 2025 में होगी।